जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीवा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, बल्कि नए जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, गैंग उनका नाम है, फॉरेन मिनिस्टर गैंग जो हैं, उन्होंने कहा है जनाब के ये जो नई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, दैट इज बाउंड टू फेल। और वो कह रहे हैं कि चाइना को जो है सर्कल किया, एनसर्कल किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो क्वाड है ना, ये क्वाड नहीं है, ये बेसिकली एशियन नेटो है। आप समझते हैं कि आप एशियन नेटो का हिस्सा बन चुके हैं, और जो ये बात कर रहे हैं किन गैंग, ये आप वाकई ही, ये इंडो पैसिफिक फेल हो जाएगी तो भारत की तो सारी की सारी जो ग्लोबल स्टेचर है वो नीचे आ जाएगा। व्हाट चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इज सेइंग सुमित भाई। सीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। और ये जो क्विन गांग है, मतलब चाइनीज में क्विन गांग, तो ये जो क्विन गांग है, ये कह रहे हैं कि अगर लोगों की हसरतें पूरे हो जाती तो खुदा जमीन पे ना आ जाए। ये तो वो हसरत रखता है, ये तो उसके इरादे हैं, ये तो उसके ख्वाबे गफलत हैं। ख्वाबों में, ख्वाब देखने में कहीं किसी दुनिया में कोई टैक्स नहीं लगता, ख्वाब हर जगह एब्सोल्युटली फ्री है। अब देखिए, ये नए नए इन्होंने कुर्सी संभाली है, तो नए नए आते इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पाकिस्तानी स्टाइल कॉपी कर लिया। ऐसा फेल है जी, कोई टेंशन ही नहीं, ऐसा सब नकली है, ये सब नकली है। मैं आपके एक पाकिस्तान का इंटरव्यू देकर कह रहा, भारत G20 का सदस्य बन गया, कह रहा नहीं नहीं वो अमेरिका ने बनाया, ऐसा कोई कुछ नहीं है। तो ये वैसी वाली उन्होंने कहा थी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी फेल, एनसर्कल फेल, ये फेल, वो फेल। अब बोला भैया, तू फॉरेन मिनिस्टर या फॉर्चून टेलर है? तो फॉर्च्यून टेलर जैसी बातें कर रहा है। तो मतलब आप देखिए, इनका खानदान वानदान चेक करना पड़ेगा, फॉर्च्यून टेलरों के खानदान से तो नहीं आते। देखिए चीमा साहब, कॉड का जो इंडो पैसिफिक की बात करें या कॉड की बात करें, कॉड इज फॉर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, इज फॉर फ्री नेविगेशन रूल्स, इज फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स टू हैपन। अगर किसी कंट्री के एक्सपेंशनिज्म को बिलीव करता, उसकी विस्तारवादी प्रवृत्तियां है, वो अपने साउथ चाइना सी को कहता है ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, वो अपने वाटर को कहता है मेरा डिस्ट्रिक्ट और मेरी टेरिटरी है, जो कोई नहीं कहता। तो एक आपका है, आपका इकोनॉमिक जोन होता है, दैट इज ओके, बट यू कैन नॉट से कि सो पूरा सी मेरी टेरिटरी, मेरा डिस्ट्रिक्ट है, तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम वहां नहीं जा सकते। तो ये रूल बेस्ड ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए एक अलायंस बनाई गई है, विच विल अंडरस्टैंड, विच विल हैव फ्री इंडो पैसिफिक, विच विल हैव इंटरनेशनल ऑर्डर, विच विल हैव इंटरनेशनल रूल्स, और इंटरनेशनल नेविगेशन विल बी फ्री। दैट इज द आइडिया ऑफ कॉड। कॉड का नेटो से, नेटो इज अ मिलिट्री अलायंस, कॉड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। कॉड का तो भी मिलिट्री चैप्टर है ही नहीं, देयर इज नो मिलिट्री चार्टर रिटन फॉर कॉड। इफ यू सी, नेटो इज अ कंप्लीट मिलिट्री अलायंस। सो नेटो में तो, नेटो में तो वो क्लॉज 5 भी है, अटैक ऑन वन नेटो स्टेट इज अटैक ऑन वन, बिकॉज़ देयर इज अ प्रॉपर, इट्स अ मिलिट्री अलायंस। कॉड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, कॉड इज फॉर द इकोनॉमिकल वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट विज़ेवी अ कंट्री जिसकी करीब 20-30 कंट्रियों से बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। बॉर्डर लगते हैं 10 कंट्रियों के साथ, 22-23 के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स है। आप जानते हैं, मैं चाइना की बात करता हूँ, चाइना में एक और चीज़ है जी, मतलब दादी मरहूम के सपने में कब कौन सी जगह आ जाए और वो कहे कि वो मेरी है, ये भी नहीं पता। अब मैं ये एक और बात कहूँ, वलेडी वोस्तोक, चाइना तो कहता है ये पोर्ट ही मेरा, ऑल वेदर पोर्ट है, रशिया का कहता है ये पोर्ट भी मेरा। अब चाइना तो कह कैसे था, चिल्ली भी उसकी है कल को, बोले कैसे, बोले एक हमारे पुरखे वहां गए थे, उन्होंने वहां कुछ खाया पिया, कुछ कुछ किया, वो जमीन हमारी हो गई। तो ये चाइना की जो टेंडेंसी है, तो ये चाइना हैज टू ब्लेम इटसेल्फ इफ दे फील थ्रेटेंड, इफ दे फील रैटल्ड, इफ दे फील स्केयर्ड, इफ दे फील टिमेड। क्योंकि अभी जो भारत का बढ़ता वर्चस्व, जो भारत का डिप्लोमेटिक क्लाउड, अगर मैं आपको सच बताऊं, भारत इज डाउन प्लेइंग इट्स डिप्लोमेटिक क्लाउड। आधी दुनिया पीछे के हफ्ते, पिछले हफ्ते दिल्ली में थी जी वहां साहब, 125 कंट्रियों के नुमाइंदे, और यहाँ यूएन में 35 कंट्रियों से अधिवेशन पास होता, कहते 35 कंट्रियों ने वोट किया, यहाँ 125 कंट्रियां थी, 125 कंट्रियां। तो जब ये चीजें होगी, चाइना थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा बौखलाया हुआ, उस साइड कंट्रियों के एसोसिएशन में, ये सब फेल होना जी, आ कुछ नहीं होना, सब लेकिन बेकार सुमित है। भाई, ये सारे की सारी 125 कंट्री तो चाइनीज सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, आज अगर चाइना कहे कि मैं इंडिया को सप्लाई बंद कर दे, तो फॉर एग्जाम्पल पिक एंड चूज करते हैं ना, ठीक है, पिक एंड चूज करते हैं, तो फॉर अ मोमेंट तो इंडिया में जिनको कहते हैं थरथली मच जाएगी। मतलब एक जवाब रिपोर्ट दो। आई, एक मैं ये क्रिटिकल क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे जरा अच्छी अंदर की चीजें समझो। एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, 150 अरब डॉलर फारग हो गया भाई, 125 अरब डॉलर की ट्रेड बंद होती है। या कोई देखे, दुनिया जो है वो लिवरेज इस्तेमाल करती है, लिवरेज रखी जाती है।
आज चाइना इसको लिवरेज को इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन सुमित भाई कल को उन्होंने कर लिया, वो कह रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ है, ये एशियन नेटो है, तो वो तो समझ रहे हैं कि ये लोकल पार्टनर है, तो वो जिसे कहते हैं ना ये लोकल पार्टनर है, सबसे पहले इसको पकड़ो। तो अगर वो करता है तो आप तो फिर आप तो डिपेंडेंट है, 125 कंट्री डिपेंडेंट है, एंड रिमेंबर चाइना इज नॉट रशिया। क्या कहते हैं इस पे? देखिए चीमा साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, आपको तीन चार चीजों में इसका जवाब दूंगा, फैक्चुअल आंसर दूंगा। एक होता रेटोरिकल आंसर, एक होता फैक्चुअल आंसर। कल एक रिपोर्ट आई है, अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स ऑन चाइना हैज गॉन डाउन बाय 40% इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, 40%। अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट $600 बिलियन का है चाइना के साथ, और हमारा करीब $61 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, ये मैं मानता हूँ। ये ट्रेड फेवर करता है चाइना को, हमें फेवर नहीं करता। अगर आपने दुकान खोली है, आप मुझे सामान देना बंद कर दो, हम कहीं और से ले लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई पेटेंट से ऐसी कोई चीज़ बनाते जो आपसे ही आती है। दिन ब दिन वी आर नॉट, पहले टाइम था हम काफ़ी चाइना से माल मंगाते थे, नाउ वी आर पुटिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर ओनली गेटिंग सम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इसलिए हमारा जो बड़ा है। और मैंने आपको लास्ट टाइम, आपको याद होगा, मैंने बोला था केवल 5 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ ट्रेड बिलियंस में, बाकी हर जगह इट्स इन मिलियंस। सो वी आर बाइंग अ लॉट ऑफ स्मॉल स्मॉल लिटिल थिंग्स फ्रॉम चाइना टू मेक आवर इंडस्ट्री एंड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हेल्प अस इन द प्रोडक्शन, बट वी आर नॉट इम्पोर्टिंग रॉ मटीरियल्स फ्रॉम चाइना। अगर रॉ मटीरियल डिपेंडेंस आप चाइना पे देखेंगे, जर्मनी की 40% हमारी नहीं है। और दिन ब दिन हमने अपने ऑल्टरनेट सप्लाई चेन्स बात करी है। अगर आप क्विन गांग की बात सुने, उसने कहा कि फ्रेंडली ऑफशोरिंग और डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स, आप देखिए चोट तो लगी है ना चाइना को कहीं ना कहीं। क्विन गांग खुद कह रहा है डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स फ्रॉम चाइना। अब डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन्स में तो पूरी दुनिया शामिल है। आपने कल एक और खबर पढ़ी होगी थी मसा, ये जो फॉक्सकॉन था जिस पर हमने काफ़ी बात की, बड़ा फ्लैगशिप कारखाना था चाइना को, उसको देख देख के मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर लेते थे। कल फॉक्सकॉन ने बोल दिया मैं इंडिया में 700 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ 100 या कुछ हज़ार एकड़ ज़मीन उन्होंने एक्वायर किए, एंड दे आर मूविंग देयर बेस टू इंडिया। तो ये चीज़ें जब हो रही हैं तो कहीं ना कहीं मिर्चें तो लगेंगी ना, तकलीफ होगी, दर्द होगा, मरोड़ उठेगा तो बोलेंगे ये सब बेकार है, ये सब कुछ नहीं होना। अगर चाइना को लगता है कि उनको भारत के साथ ट्रेड नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। अरे उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ आते हैं, वो यहाँ आते हैं, हमेशा हर चीज़ एक ही ट्रेड ट्रेड की दुआई देते हैं। अरे चीमा साहब, वो तो हमारे पास ऐसे खड़ा, ट्रेड कर लो भाई, $60 बिलियन बहुत होते हैं। जो चाइना की भी इकोनॉमी की हालत है, 60 बिलियन बहुत होते हैं। मैं तो कहता हूँ, मेरा मानना है इंडिया, US और यूरोपियन यूनियन के साथ चाइना को ट्रेड बंद करना चाहिए। उसका जो एक्सपोर्ट है 1/6 वहीं गिर जाएगा, 1/7 वहीं गिर जाएगा, तो फिर वो ट्रेड वो फिर साउथ कोरिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, जिम्बाब्वे और निकारागुआ के साथ ट्रेड कर सकता, अगर उसकी इकोनॉमी चले तो चलाए। हमने तो नहीं कि जैसे आपने पाकिस्तान ने बोला मैं भारत के साथ ट्रेड नहीं करना, दवाइयाँ देते हैं आप हमसे, बाकी आप ट्रेड नहीं करते। तो चाइना ऐसा, आप चाइना को भी एडवाइस कीजिए, ऐसा बोर्ड मूड दिखाए, हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। चीमा साहब, $60 बिलियन बहुत होते हैं, और वी आर डेवलपिंग आवर ऑल्टरनेट सप्लाई चेन। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँगा, APIs की बात करें, एक टाइम था हमारे सारे APIs चाइना से आते थे। बाय द एंड ऑफ 2023 वी विल हैव नो APIs कमिंग फ्रॉम चाइना, वी हैव डेवलप्ड मोर देन 5000 APIs इन गुजरात एंड UP। ऐसे हर सेक्टर में हो रहा है। मैंने बोला ना केवल 4 चीज़ें हैं या 5 चीज़ें जो बिलियंस में आती है, रेस्ट ऑल इज इन मिलियंस। एक टाइम में नेट मोबाइल फोन इंपोर्टर थे, आज हम $10 बिलियन के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना के कारखाने आ रहे हैं, चाइना का काम यहाँ आ रहा है, चाइना का सेमीकंडक्टर यहाँ आ रहा है, चाइना की हालत ख़राब हो रही है। और ये जो चाइना, अब आप देखिए FBI के डायरेक्टर का आपने इंटरव्यू देखा होगा, अभी बड़े वीडियो वायरल हो रहे एक दो दिन पहले, उसने भी कहीं ना कहीं बोला ना, द जो वुहान वायरस था, जो वायरस था वो वुहान की लैब से लीक हुआ, ये तो FBI भी बोल रहा है। और हमारा जो चाइना से है डिपेंडेंस है, दैट इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस, दैट्स अ वेरी टैक्टिकल डिपेंडेंस। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, वो होने कोई ऐसे देखिए, ये दिस इज द एज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। अगर चाइना आप पे, आप चाइना पे डिपेंडेंट है, तो चाइना भी बहुत सारी चीज़ों पे आप पे डिपेंडेंट हो सकता है। मैं माय पॉइंट हियर इज ऑब्वियसली चाइनीज ने एक और बात भी की है, उन्होंने बेसिकली थ्रेटन किया है, फॉरेन मिनिस्टर गैंग ने उन्होंने थ्रेटन किया कि आसियान का माहौल ख़राब हो सकता है अगर ये इसी तरह चीज़ें चलती रही। सुमित भाई, आपको लगता है कि एशिया पैसिफिक आसियान के अंदर या इस खित्ते के अंदर, हमने बात की है लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट की, कि आसियान का माहौल, आप देखें इंडिया तो चाइनीज झटका बर्दाश्त कर सकता है, S-400 ले लेगा, डिफेंस पे पैसा लगाएगा, बल्कि सुनने में आया कि S-400 के आपने पैसे नहीं भेजे, उन्होंने 2024 को भेज दिए। सुमित भाई, उन्होंने कहा भाई ये जो ये इंडिया कर रहे हैं ना, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं,
लेकिन पैसे पूरे नहीं भेज रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया की रिपोर्ट है। एस 400 विच वॉज ड्यू दिस ईयर वो आगे चला गया बिकॉज ऑफ पेमेंट्स, इंश्योरेंसेज, री इंश्योरेंसेज नहीं हो सकी इस वजह से। आपको लगता है सुमित भाई कि जो आसियान का खिता है जिसको चाइना ये दमका रहा है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इंडिया प्रेशर चाइना का बर्दाश्त कर सकता है? देखिए पहली बात आपको बताऊं चीमा साहब, S-400 की डील जो थी $4 बिलियन की थी, हमारे पास करीब $600 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखा है। और अगर किसी के ख्वाब में ये आ रहा कि हमने पैसे नहीं दिए या पैसे डिले करे इसलिए S-400 नहीं आया, वो बिल्कुल गलत है। टेक्निकली प्रैक्टिकली स्ट्रेटजी दे माइट बी अ प्रोसीजरल डिले, बट इट इज नॉट कि पैसे नहीं दिए इसलिए नहीं आया। देयर इज इट डजंट मेक एनी सेंस, पहली बात। दूसरी बात है, आप एक और बात देखिए, एट द पीक ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हमारी बैटरीज आती रही। और मैं आपको बताऊं, कभी हम इस पे बात करेंगे, हम अपना एक इंटीग्रेटेड मिसाइल सिस्टम शील्ड बना रहे, 4 लेवल का बना रहे चीमा साहब, एंड दैट विल बी इवन, जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में, दैट विल बी इवन बेटर देन S-400। वी आर मेकिंग अवर ओवर 4 लेवल सीट, उसके 3 लेवल की टेस्टिंग हो रही है, 4th लेवल सीट भी बढ़ेगा, और ऐसा इंटीग्रेटेड मिसाइल शील्ड दुनिया में कहीं नहीं है। आपको एक और चीज बताऊं, आपको वैसे आपको पता होगा, फिर भी कोई छुपी बात नहीं है पब्लिक फोरम में, हम ओवर द हॉरिजॉन रडार जो लगा रहे हैं अंडमान में, 5,000 किलोमीटर तक अगर कौवा भी उड़ेगा उस रडार में आ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा ओवर द हॉरिजॉन रडार हम अंडमान में लगा रहे हैं, सबसे बड़ा दुनिया का, 4-7 कंट्रियों में लगा, उससे ज्यादा हम लगा रहे हैं। तो हमें चाइना से न डरने की जरूरत थी, न है, न कभी होगी। और ये चीजें तो मैं आपको वो कह रहा हूँ चीमा साहब जो पब्लिक डोमेन में, बहुत सी ऐसी चीजें जो पब्लिक डोमेन में नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, बट हाँ चीजें बहुत हो रही है, इंडिया बहुत काम कर रहा है। और अब बाकी खित्तों को भी चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। चाइनाज इकोनॉमी कैन नॉट अफोर्ड वॉर। चाइना ऐसा चाइना घरत सकता, चाइना बरस नहीं सकता। देखिए इतनी सैंक्शन लगाने के बाद रशिया खड़ा है, रशिया की 2 इंडस्ट्रीज है, आर्म्स और ऑयल, वो चल रही। 25% यूक्रेन का एरिया ले रखा है, 41% नेचुरल रिसोर्स वहाँ, 41% रशियन स्पीकिंग एरिया है, सारा यूक्रेन के पास है। पूरा वैसे जोर लगा दिया, $150 बिलियन फूंक लिए, तब भी पुतिन पीछे नहीं जा रहा है। यहाँ अगर चाइना पे 6 महीने भी सैंक्शन लगे, चाइना की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। चाइना की इकोनॉमी इज फ्रेजाइल, एंड डोंट फॉरगेट चीमा साहब, द बिगेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर ये सब इंटरनेशनल इज रियल एस्टेट, विच इज कॉक्ट ऑफ, विच इज इट इज एवरीवेयर इन इंटरनेशनल मीडिया। वहाँ तो फूड शॉर्टेजेस हो रही है, और चाइना की तो नजर अब पाकिस्तान की जमीन पे भी आ रही है। सुना है पंजाब की जमीन पे बड़ी नजर है उनकी, बड़े आपको लोन वोन दे रहे हैं कि पंजाब की, मैं कुछ लाख हेक्टेयर मांग रहे हैं कि भाई हमें दे दो, मॉर्टगेज रख दो। तो थोड़ी बच के रहिएगा, इनकी तीनों पे नजर बहुत खराब होती है, जमीन और जोरों पे, तो खास के आपकी फर्टाइल लैंड, क्योंकि चाइना के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है अफ्रीकन देशों के साथ ही मजा जमीन को लेकर कल्टिवेशन के, देव कॉक्ट ऑफ, और वो कह रहे हैं ना हम पैसे देंगे ना हम कोई तुम्हें जमीन उमीन दे रहे हैं। अब वो चाहते हैं जमीन जो उनके पास हो, और वो जमीन जो उपजाऊ, जो जमीन जो प्रोडक्टिव हो, जो वो कंट्रोल कर सके, सो दैट कैन बी द डील। इसीलिए चाइना, काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि ये चाइना पाकिस्तान पे मेहरबान क्यों हो रहा है, मैंने कहा कारण एक ही है, जमीन, और कोई रीजन उनके पास है नहीं, सीपक तो बचा नहीं। बट कहने की बात ये है, आसियान की बाकी कंट्रियों को भी चाइना वाइना से डरने की जरूरत नहीं है। चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर। चाइना पे अगर सैंक्शन लग जाती, चाइनीज इकोनॉमी विल गो 50 इयर्स इन टाइम, एंड चाइना जहाँ था वो वहां रहेंगे नहीं पाएगा। चाइना इज अ बॉटम हेवी कंट्री, चाइना को इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत फ्लोट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड इकोनॉमी है। अब अमेरिकन थिंकटैक्स, अभी अभी एक इन्वेस्टर था बहुत बड़ा अमेरिका का, नाम ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा उसका वीडियो ट्विटर पे वायरल था, उसने कहा कि भाई कि मेरे को चाइना से पैसे रिपैट्रिएट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी पूछ रही है बताओ 20 साल का हिसाब दो, ये पैसे कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कमाए। अब तो हालत ये होगी, इज वन ऑफ द टॉप शॉट इन्वेस्टर्स, टॉप 10 इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एंड ही वॉज ऑल ओवर सोशल मीडिया कि मुझे मेरे पैसे निकालने नहीं दे रही है, कह रहे 20 साल का हिसाब किताब दो। ऐसी हालत में चाइना कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, वॉर विल बी डिजास्टर फॉर चाइना। इसलिए वो डराने धमकाने का काम चाइना पिछले 60-70 साल से कर रहा है, तो वो डराने धमकाने का काम करेगा। 43 साल पहले वियतनाम से लड़े थे, वहां भी हारे थे, ये चाइना लड़ता वड़ता नहीं थी, मतलब ये डराने का काम करता। हमारे एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर साहब की, उसमें सतीश कौशिक साहब ने बड़ा अच्छे रोल निभाया था उसका, पप्पू पेजर का, वो पप्पू पेजर धमकियां बहुत देते थे, ये पप्पू पेजर है, टेंशन ना ले उसकी। चले आपका ये कहना है, लेकिन आपकी और चाइनीज सरकार की जो टॉक्स है G20 में फेल हो गई समित भाई। आप कह रहे हैं कि वो लड़ते नहीं हैं, उन्होंने तो आपको LSE पे लड़के दिखाया नहीं है। मैं ये ऑब्वियसली एक फैक्टर है। एक बात जो मैं करना चाहता हूँ, अभी ये जो हाल ही में चाइनीज डेलीगेशन आया हुआ था
आई थिंक चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए थे इधर इंडिया में. हुँ. जो जो टॉक्स हुई इंडिया और चाइना की, वो टॉक्स बड़ी परेशान को ने कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर कह रहे थे कि एलएसी की बात को, उन्होंने कहा हमने एलएसी की बात नहीं करनी, हमने जनरल बात करनी है. उन्होंने कहा ये छोटी सी चीज़ है. सो डॉक्टर जयशंकर के बारे में भी एक बात की जाती है कि डॉक्टर जयशंकर जो है ना, ही इज ट्राइंग टू रीब्रांड इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ हिंदू नेशनलिस्ट टर्म मोदी साहब को हेल्प करने के लिए. यही वजह है कि बहुत सारे ग्लोबल कैपिटल्स में आजकल डॉक्टर जयशंकर की बातों को बड़ा एरोगेंट समझा जाता है. द पीपल आर थिंकिंग कि अपने कद से बड़ी बात कर रहे हैं, या ये जो बात कर रहे हैं ये जिसे कहते हैं ना वो जानबूझ के करना, या एक एक वर्ड होता है मेरे जेहन में नहीं आ रहा, कि वो अपने कद से बड़ी बात कर रहे हैं या एग्रेसिव बड़ा पॉस्चर उन्होंने रखा हुआ है. सो ये दो चीज़ें, एक तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो बड़ा एग्रेसिव हैं, उनके अंदर पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा है, और दूसरा ये जो चाइनीज ने फिर बात नहीं की आपके साथ, मतलब ये कि बैठे भी हैं टेबल पे लेकिन डायलॉग नहीं चला, क्योंकि आप कहते थे एलएसी पे बात करो, उन्होंने कहा एलएसी पे बात नहीं करनी, ऊपर आओ जनरल बात करें. जी देखिए सीमा साहब, पहले आपकी एक गलत फहमी दूर कर दूँ, G20 इज अ इकोनॉमिक फोरम, वहाँ इकोनॉमी की बात होती है, और वहाँ कोई चाइना के साथ हमारा शेड्यूल बायलैटरल नहीं था. अगर शेड्यूल बायलैटरल होता तो उसका एजेंडा बाहर आता, तो आप कैसे टॉक्स फेल थी, पास थी, ये स्टेटमेंट आई वो स्टेटमेंट नहीं, तो एक मिलना था, बात हुई. और इंडिया की प्रायोरिटी और स्टेटस को है कि बिजनेस कैन नॉट बी एज यूजुअल अनलेस एंड टिल देयर इज टेंशन इन द एलएसी. बाकी आपने डिप्लॉयमेंट कर रखी, हमने मेरा डिप्लॉयमेंट कर रखी, दिक्कत कोई है नहीं. सच्चाई तो ये है कि आपके हन चाइनीज जो सिपाही हैं बेचारे 24 घंटे भी बॉर्डर पर नहीं रह पाते, उन्हें निकालना पड़ता. हम तो आप जानते हैं सियाचिन पे कितने सालों से, हमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांत है, बहुत चुस्त तंदुरुस्त है. दूसरी बात आपको बताऊं चीमा साहब, वी आर नाउ ऑलमोस्ट द हैं या होने वाले आर द पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, 18-19% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वी आर द फोर्थ बिगेस्ट मिलिट्री ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड हाइएस्ट फॉरन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड, एंड वी आर अ सुपर पावर इन मेकिंग. हम जो कर रहे हैं, इंडिया इज किकिंग टू इट्स साइज एंड स्टैचर, इंडिया इज पंचिंग टू इट्स वेट. अब वो किसी को एरोगेंस लगे, और कॉन्फिडेंस किसी को एरोगेंस लगती थी, वो उसका मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड है. अगर किसी को मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा एरोगेंस लगता, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज माइंड, आई कैन नॉट हेल्प हिम. डॉक्टर जयशंकर साहब जो कह रहे हैं, दैट इज द एस्पिरेशन ऑफ टूडेज इंडिया, दैट इज वॉट इंडिया वॉन्ट्स. इंडिया इज नॉट कमांडिंग, इंडिया इज नॉट डिमांडिंग रेस्पेक्ट, इंडिया इज कमांडिंग रेस्पेक्ट. ये जो मोदी जी के अंडर फॉरेन पॉलिसी है, ये इज रेजिलियंट, इट इज इंडिया फर्स्ट, इट इज नेशन फर्स्ट. इस चीज से काफी लोग को थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़े लोग हैरान होंगे, पर वो उनकी बदकिस्मती है, वो उनका तजुर्बे रहे हैं, वो उनकी एक मेंटेलिटी है. जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ब्रिटिश सोच रहे थे कि भाई BBC यहाँ आएगी, वो टैक्स नहीं देगी, हम बोलेंगे नहीं साहब, आप गोरे लोग हो, आपने टैक्स नहीं दिया, कोई बात नहीं जी, आप गोरे, टैक्स माफ है. तो डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्या बोला, बोला भाई वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द लैंड. हमारी कंट्री, हमारी कंपनी वहां जाती, दे फॉलो द रूल ऑफ द लैंड. टाटा का इतना बड़ा बिजनेस है वहां पे, लक्ष्मी नारायण साहब का, मित्तल साहब का बिजनेस है, दे फॉलो द रूल ऑफ द लैंड. तुम यहाँ हो गए, टू फॉलो द रूल ऑफ द लैंड. अब इसको कोई एरोगेंस समझे तो उसका मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड है, दैट इज कास्टिस्ट, दैट इज रेसिस्ट, दैट इज इंपीरियल एरोगेंस, एंड दैट इज व्हाइट मैन्स हैंगओवर. तो उस इन तीन चारों चीजों का इलाज तो हमारे पास है नहीं, पर हम जैसे भी है, जो भी आपके सामने खड़े हैं, हम बहुत विनम्र लोग हैं. अब आपको हम, अब हमारा कॉन्फिडेंस आपको हमारा एरोगेंस लगे, हमारी कार्यकुशलता आपको एरोगेंस लगे, हमारी देशभक्ति आपको एरोगेंस लगे, हमारा नेशन फर्स्ट आपको एरोगेंस लगे, दैट इज मैनिफेस्टेशन ऑफ योर माइंड एंड फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, विच यू ओनली नीड टू रीइंजीनियर एंड गेट इट राइट. जी नहीं, वो आपकी बात सही है समित भाई, आप अपनी वो जो मर्जी करते रहें, लेकिन आई एम जस्ट टेकिंग अ पर्सपेक्टिव के डॉक्टर जयशंकर की बातों को, क्योंकि ये एक नहीं मल्टीपल लोगों से मैंने भी बात की है, और ये कहा जा रहा है आजकल कि इंडिया जो है वो ख़ासतौर पे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर हैं वो बड़ा एग्रेसिव बात कर रहे हैं, क्योंकि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास एक ही बंदा है हु इज़ रीब्रांडिंग इज फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि NSA साहब भी पीछे हैं, अजीत दोवल साहब भी पीछे हैं, अमित शाह भी सामने नहीं आते, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये जो कोर टीम है ये सारी पीछे बैठी हुई है, और एक ही बंदा है जो इस वक्त बड़ा एग्रेसिवली बात कर रहा है, and he is doing it for the domestic terms. वो क्योंकि elections year है अगले साल, तो उसको उसके लिए ये सारा कर रहे हैं, ताकि लगे कि जैसे इंडिया जो है वो रिक्लेम कर रहा है अपना सारा कुछ, और
ये टू गिव अ कॉन्फिडेंस, जबकि बहुत सारे लोग जो वेस्ट में मौजूद है इंडियंस वो कहते हैं कि ऐसा है नहीं है जिस तरह हमें ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये हमें कि रास्ते में खड़े होकर मरवाए ना, मतलब दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम फ्यू पीपल. सो दैट इज व्हाई आई वाज टॉकिंग के डॉक्टर जयशंकर जो है इज अ वेरी स्मार्ट डिप्लोमेट, वेरी सक्सेसफुल डिप्लोमेट और बड़ा अच्छा पढ़े लिखे शख्स हैं, लेकिन दिस इज एन इम्प्रेशन जो आ रहा था उनके पास. देखिए चीमा साहब, अब किसके किसकी घर में, किसकी घर में हांडी की दाल में कितना नमक तेल और चीनी डलती, वो तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ना ही कमेंट कर पाऊंगा. अब किसी की दाल है, घर में कुछ भी दाल बनाए, धनिया डाले या हरी मिर्च का पाउडर डाले, हरी मिर्च की चटनी डाले, जो भी डाले, दाल अपने हिसाब से बनती है. हाँ, बट ये मैं ज़रूर जानता हूँ, डॉक्टर जयशंकर इज़ अ मैन ऑफ इमिनेंस ग्रेस एंड इज अ स्टॉच डिप्लोमेट, ही नोज हिज जॉब. और हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक काम है, अमित शाह जी विदेश मंत्री नहीं है, राजनाथ सिंह जी विदेश मंत्री नहीं है, अजीत डोवल साहब विदेश मंत्री नहीं है, राइट? तो विदेश मंत्री है डॉक्टर जयशंकर साहब, अपना काम वो करते हैं. आपने कभी डॉक्टर जयशंकर साहब को होम पे कोई सवाल या जवाब करते देखा? नहीं. अमित शाह जी होम मिनिस्टर, वो जो भी होम मिनिस्ट्री के काम है अमित शाह जी करते हैं, जो भी विदेश मंत्रालय के काम है डॉक्टर जयशंकर करते हैं. डिफेंस के काम पे ना अमित शाह बोलेंगे ना डॉक्टर जयशंकर बोलेंगे. और अजीत डोवल इज अ मैन फ्राइडे सर, लेट मी टेल यू. एक चीज आपने कभी नोट की हो चीमा साहब, एक चीज आज आपको बता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन, वैसे आपने नोट जरूर की मुझे पता है. मोदी जी जब भी फॉरेन जाते हैं, जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं, देयर इज वन मैन हु इज ऑलवेज देयर एंड ऑलवेज देयर, दैट इज मिस्टर अजीत डोवल, और दैट सम्स अप एवरीथिंग. एंड बट एवरीबॉडी हैज अ डेजिग्नेटेड रोल, एवरीबॉडी हैज अ रोल टू प्ले, एंड दिस इज नॉट फॉर इलेक्शन एंड ऑल. स्वीडन में जाके वो क्या बयान देते हैं, यूरोप में देते हैं, डेनमार्क में देते हैं, या रशियन, ना रशियन इंडियन इलेक्शन में वोट करते हैं, ना स्वीडिश लोग इंडियन इलेक्शन में वोट करते हैं, ना पोलिश लोग वोट करते हैं, ना ही चीनी करते हैं, ना ही अफगानिस्तानी करते हैं, ना ही तुर्कमेनिस्तानी करते हैं. यहाँ भारतीय वोट करते हैं, और भारत की अस्मिता को, भारत के वर्चस्व को दुनिया के पटल पर रखना, ये डॉक्टर जयशंकर साहब का काम है. मैंने कहा ना, वी आर नॉट डिमांडिंग रिस्पेक्ट, वी आर कमांडिंग रिस्पेक्ट, वी आर किंग टू अवर साइज एंड स्टैचर, एंड इफ पीपल फाइंड दैट इज अरोगेंट, बट दे हैव टू लिव अप, दे हैव टू लर्न टू लिव विद दिस इंडिया ऑफ टुडे. दिस इज द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, दिस इज नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर सर. बिल्कुल सही है. वो मैंने देखा है कि एक चाइना स्टडी ग्रुप है, अजीत डोवल साहब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इन चीज़ों पे एनएसए का बड़ा रोल है, और वही डॉक्टर जयशंकर को बताते हैं. कुछ जगहों पे डॉक्टर जयशंकर अपना वो कर रहे होते हैं. खैर यानी हो, वो एक किसी दिन फिर डॉक्टर जयशंकर पे बात करेंगे, क्योंकि ही इज़ गेटिंग एन इंटरेस्टिंग केस टू अनअर्थ एंड स्टडी बिकॉज ऑफ वो जो आजकल थोड़ी सी इन्फ्लेमेटरी किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं टू गिव कॉन्फिडेंस टू जनरल पब्लिक इन इंडिया, के वो दैट इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि ही इज़ रीब्रैंडिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ बीजेपी वे, और वॉट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द कोर टीम ऑफ बीजेपी वॉन्ट्स. एनी हाउ थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू. सीमा साहब, वी आर द फॉरेन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द नेशन फर्स्ट, सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट एंड कंट्री ऑलवेज फर्स्ट. अब लोगों को क्या दिखे, उसको कैसे परसीव करें ना, मैंने कहा आप अपनी दाल की हांडी में कौन हरी मिर्च डाले, कौन लाल मिर्च डाले, कौन धनिया डाले या कौन जीरा पाउडर डाले, उस पर मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं. नमस्कार. थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर.